हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अमकैच, और लाया हूँ एक और बड़ी अमेजिंग शानदार वीडियो आपके लिए. बेसिकली ओकेजनली वेरी वेरी कली म्यूजिकली. ये मैं क्या बोल रहा था इसे टोटली इग्नोर कर दो, मुझे पता नहीं था मैंने क्या बोला. अब आपको वो एपिसोड याद है जहाँ पे हम डेजर्ट टेम्पल को एक्सप्लोर करने गए थे और वहाँ से हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी लूट मिली थी? तो किसी को ऐसा क्वेश्चन हुआ था कि ऐसे डेजर्ट टेम्पल हर जगह पे क्यों नहीं है कि जहाँ से हमें इजीली लूट मिलती जाए, यानी कि कुछ करो ही मत और सिर्फ फ्री में आयरन, फ्री में डायमंड, या तो फिर फ्री में बहुत सारी अच्छी अच्छी एन्चेंटेड बुक्स, या ये ऐसी एफ के फिशिंग की कोई जफा नहीं, यानी कि कोई मेहनत ही नहीं करनी हमें. नो एफ के फिशिंग, एफ के फिशिंग करके हमें वेट नहीं करना कि कब हमें एन्चेंटेड बुक्स मिले या तो फिर ऐसा कुछ. तो माइनक्राफ्ट ने आपके लिए है ना एक स्पेशल चीज़ गेम में डाली है 1.13 के अपडेट में, वो है ये चीज़. ये दिख रही है यहाँ पे शिप, तो वो शिप के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी लूट मिलती है. जैसे हमें डेजर्ट टेम्पल में लूट मिली थी ना 4 लूट चेस्ट, वैसे हर एक शिप में भी आपको अच्छी अच्छी लूट मिलती है. अब सबसे आज हम वही एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शिप्स को. तो शिप्स को एक्सप्लोर करने से पहले हमें क्या मतलब तैयारी करनी है, सबसे पहले तो हमारे टूल्स हमें रिपेयर चाहिए, क्योंकि हम एक्सप्लोरेशन पे जाए और हमारे टूल्स टूट जाए वो चीज़ अच्छी नहीं लगती मुझे. तो टूल्स बना लेते हैं. ओके, टूल्स चेक, टूल्स हो गए कंप्लीट. अब दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, तो दूसरी चीज़ हमें चाहिए पूरी की पूरी खाली इन्वेंटरी. ओके, खाली इन्वेंटरी चेक. अब वो चीज़ पानी में, तो पानी में हम तैर के तो जा ही सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्लो चीज़ है और हम हमारी इस चैनल पे स्लो चीज़ें नहीं करते. तो ले जाते हैं हमारी ये प्यारी सी टाइटैनिक, जो कि हमें ले जाएगी हमारी दूसरी टाइटैनिक तक. ये शिप काश कि हम इन शिप्स को कंट्रोल कर पाते और चला भी सकते, कितना मज़ा आता नहीं. लेकिन अफसोस ये सिर्फ ऐसे डेकोरेशन के लिए माइनक्राफ्ट में रख दिया और हम ऐसी छोटी छोटी बुट से ही हमें काम चलाना पड़ता है. अब जैसे कि मैंने अभी बोला ना कि यहाँ पे हमें 3 टाइप के चेस्ट मिलते हैं, उनमें से एक जिसके अंदर हमें खाना मिलेगा, दूसरी जिसके अंदर हमें खजाना मिलेगा, और तीसरी जिसके अंदर हमें खजाने का नक्शा मिलेगा. अब कई बार ये शिप्स थोड़ी आधी टूटी हुई होती है तो हमें सिर्फ 2 या 3 ही चेस्ट मिलती है, कई बार एक मिलती है और ऐसा कुछ. लेकिन ये जो हमारी शिप है ना, ये थोड़ी सी अलग तरीके से स्पॉन हुई है. मतलब इट इज़ स्पॉन राइट नेक्स्ट टू दिस संकन रूइन, या तो फिर जो बोले वो ओशन रूइंस, जो भी बोलो. तो ये ओशन रूइंस जो होता है उसके अंदर भी हमें लूट के लिए चेस्ट मिलती है, लेकिन ये थोड़े ख़तरनाक होता है इस जगह से, क्योंकि इसके अंदर ड्राउंड जनरली स्पॉन होता है. ड्राउंड जो है वो है पानी के ज़ॉम्बी, जो कि आपको सिर्फ रात में और आप जब पानी के अंदर जाओ तभी देख सकते हैं. तो ये शिप थोड़ी शायद हार्ड हो सकती है एक्सप्लोर करनी, क्योंकि इसका थोड़ा सा पार्ट ऐसे जो दिख रहा है रूइंस में कन्वर्ट हो गया. लेकिन बाकी की 2 चीज़ तो हम देख लेते हैं. लेकिन उससे पहले हमें एक टॉर्च से छोटी ट्रिक करनी है कि टॉर्च मैं रखूँगा मेरे ऑफ हैंड में, ऑप्शन वीडियो सेटिंग, और डायनेमिक लाइटिंग कर दूंगा मैं फास्ट के ऊपर, जिससे क्या होगा कि टॉर्च प्लेस किए बिना ही, मतलब टॉर्च प्लेस किए बिना ही मैं मेरे आसपास के एरिया को लिट अप कर सकता हूँ. दिख रहा है मेरे आसपास का एरिया लिट अप हो रहा हुआ. अब यहाँ पे हमें ऐसी 2 जगह मिल रहे हैं, उनमें से एक जगह पे है ये चेस्ट जिसके अंदर पोटैटो, पेपर, गन पाउडर और लेदर बूट्स. अब हमारे ऑक्सीजन बार पे भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वो रन आउट कर देता है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारी हेल्थ कम होनी शुरू कर देगी, जिससे हम मर सकते हैं ईजिली. तो ये हो गई एक चेस्ट. अब दूसरी चेस्ट उसके पास ही में होनी चाहिए, जो कि है यहाँ पे. अब यहाँ पे अभी कुछ क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे एक दरवाज़ा है. अब दरवाजे के अंदर आ जाते हैं, दरवाजे को वाटर लॉग नहीं कर सकते, मतलब कि दरवाजे के अंदर अगर मैं खड़ा रहूँगा ना तो मुझे आराम से सांस मिल रही है, दिख रहे हो. तो ये जो डेक है ना मेन आगे की डेक, उसके नीचे हमें दूसरी चेस्ट मिलेगी. ये रही है दूसरी चेस्ट हमारी. खुल जा खुल जा खुल जा, खुल नहीं रही. हाँ खुल गई. ये रहा पेपर, फैदर और बड़ी ट्रेजर मैप, मतलब ये चेस्ट थी हमारी खजाने के नक्शे वाली चेस्ट. तो ये 2 चेस्ट हो गई.
एक जो कि शिप के पीछे स्पॉन होती है, दूसरी जो कि आगे की मेन डेक के नीचे स्पॉन होती है ऐसे दरवाजे के पीछे, और फाइनल चेस्ट होती है इस पिलर के पीछे, ये जो दरवाजे जैसा कुछ है यहाँ पे स्पॉन होती है। लेकिन यहाँ पे हमारा ओशन रूवंस था, मतलब ओशन मॉन्यूमेंट था, रूवंस था, रूवंस मॉन्यूमेंट नहीं, मॉन्यूमेंट अलग चीज़ है। तो उस रूवंस आ गया था तो वहाँ से दरवाज़ा गायब हो गया था, लेकिन यहाँ पे होती है। अब इस ड्राउन को जल्दी से मार देता हूँ ताकि हमें जो चीज़ें करनी है वो मैं कर सकूँ। अब यहाँ पे मेरी सांस ख़त्म हो रही है, ये बहुत ही एरिया कंजेस्टेड है, तो मैं क्या करूँगा सांस लेने के लिए कि ये जो मैग्मा ब्लॉक है ना इसके ऊपर अगर मैं खड़ा रहता हूँ तो मुझे आराम से सांस मिल रही है। देख रहे हो मेरा ऑक्सीजन बार फुल हो रहा है। अब ध्यान रखना कि इसके ऊपर आप क्राउच करके बैठो वरना ये डैमेज करेगा। हाँ, तो क्राउच करके ही बाहर निकल गया मैं। और यहाँ पे एक और चेस्ट हमें मिली, ये जो चेस्ट है ना ये हमारे शिप की चेस्ट नहीं है, ये हमारे रूवंस की चेस्ट है। जो चेस्ट हमें रूवंस में से मिलती है वो चेस्ट है ये। तो हमारे ये शिप की चेस्ट कहाँ पे है? तो हमारे शिप की चेस्ट यहाँ पे कहीं पे, ये जो शिप खत्म हो रही है ना उसके पास होनी चाहिए, जो कि मुझे दिख गई, ये रही। इसके अंदर से हमें मिलता है ट्रेजर, एमराल्ड, आयरन, आयरन इनगट और बहुत सारा आयरन। अब वापस से मैं मेरा ऑक्सीजन बार फुल कर लेता हूँ और वापस जाता हूँ ऊपर, ऊपर जाके आपको मिलता हूँ। इन बबल्स से दूर रहना हाँ, वरना आप वापस अंदर चले जाओगे। हाँ दिख रहा है, तो बबल से दूर रहना। अब ये हो गई हमारी इतनी चीज़ें। अब बड़ी ट्रेजर मैप से भी ऑब्वियसली हम खजाना तो ढूंढ ही सकते हैं, तो वो कैसे ढूंढे खजाना? खजाना खजाना, क्योंकि फ्री की चीज़, फ्री की चीज़ किसे नहीं पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है यार पर्सनली। आपको पसंद हो तो पसंद है कि नहीं पसंद वो मुझे नहीं जब पता। तो अब हम बात करते हैं कि इस ट्रेजर मैप को कैसे पढ़ते हैं, या तो फिर कैसे हम आइडिया आए कि हमें कहाँ पे जाना है, या तो फिर ये नक्शा हमें कैसे पढ़े। ये सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे ना आपको? हो रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं अब भी आपको समझा देता हूँ। लेकिन वो हम चीज़ एक्सप्लोर करने जाए ना, उससे पहले हमें हमारी इन्वेंटरी फिर से क्लियर चाहिए, क्योंकि ये भर गई है इन्वेंटरी। जल्दी से जितने भी काम की चीज़ नहीं है वो सारी की सारी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ध्यान रखूँगा कि मेरे पास एटलीस्ट थोड़ा सा कोल हो, बड़ी ट्रेजर मैप हो, और एक फाइनल चीज़ जो कि हमें चाहिए होगी वो है हमारा बेड, जो कि यहाँ पे मेरे पास एक है बेड, वही मैं यूज़ करने वाला हूँ, नया बेड नहीं बनाने वाला अभी। तो आपको सवाल होगा बेड क्यों? तो ये जो ट्रेजर मैप है ना, ये ट्रेजर मैप हमें दबे हुए खजाने तक ले जाएगा। अब दबे हुए खजाने को ढूंढते हुए आपको शायद टाइम लग सकता है, और वो टाइम लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो ना। अगर रात हो गई खजाने को ढूंढते ढूंढते तो क्या करोगे? क्रीपर्स के साथ खजाने को बांटोगे? क्योंकि मैं तो नहीं बांटने वाला। तो जैसे ही सुबह होती है मैं आपको बताता हूँ कि खजाने को कैसे पढ़ते हैं। और पहले तो सो जाता है इसी बेड पे। ओके, अब मैं खजाने को लेता हूँ मेरे हाथ में। हाथ में अगर मैं देखता हूँ खजाने पे, तो ऊपर ये जो वाइट डॉट है, ये वाइट डॉट है हम, यानी कि मैं खुद, यानी कि AmAkAtch। और ये जो क्रॉस शेप है वो तो फेमस शेप है यार, आप सभी को पता ही होगा कि वो है पायरेट के ट्रेजर का, खजाने का मैप। ये जो खजाने के मैप हमें मिलते हैं ना, ये जनरली हमें सबसे पास में जो खजाना होता है वहाँ पे ले जाते हैं। तो ये जो सबसे पास में होगा वहाँ का मैप होगा, यानी कि हम चल के भी वहाँ तक जा सकते हैं। तो मैं चलते हुए जाता हूँ, और मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ते हैं इस खजाने को? नहीं ना, तो चिंता मत करो बता देता हूँ। अब अगर मैप में मैं देखता हूँ ना, तो ये जो जनरली ऊपर का एरिया है ये होता है नॉर्थ, एन ये जो नीचे का एरिया होता है वो है साउथ। अब हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्थ है कि कौन सा साउथ है? तो मैं F प्रेस करूँगा, F3। ये स्क्रीन के बारे में मैंने बताया था जब हम डायमंड माइन करने जा रहे थे। ओ पिलेजर्स, कोई बात नहीं, इसे इग्नोर करोगे। तो डायमंड माइन करने जा रहे थे तब मैंने बताया था। अब अगर मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ, तो मैं अभी फेसिंग कर रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, और अभी घूम जाता हूँ मैं, तो अब मैं फेस कर रहा हूँ साउथ की तरफ।
और अगर मैप में देखता हूँ तो मैं हूँ नॉर्थ में और मेरे से साउथ की तरफ पड़ता है खजाना, तो मैं ऑब्वियसली साउथ की तरफ आगे बढ़ता जाऊँगा बढ़ता जाऊँगा बढ़ता जाऊँगा। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैप में थोड़ा सा थोड़ा चेंज हो रहा है। ये क्या चेंज है, ये क्या चेंज है पता है आपको? तो ये वो चेंज है, ये बताता है आपको कि आप अभी मैप पे आ रहे हो। जैसे जैसे आप मैप में आगे जाते जाओगे ना, आपके आजू बाजू का एरिया यहाँ पे फिल इन होता जाएगा और आपको सैटेलाइट व्यू जैसा कुछ मिलेगा यहाँ पे, कि जहाँ से आपको पता चले कि आपके आसपास क्या है। तो ये जो लाल चीज़ दिख रही है मैप पे, ये है लावा लेक जो कि यहाँ पे कहीं होगा, और ये है हमारी रिवर जो कि मैंने स्क्विड्स को मारने के लिए इस रिवर के पूरे तीन तीन चार चार चक्कर लगा लिए थे स्क्विड्स को मारने के लिए, क्योंकि स्क्विड्स जनरली रिवर और ओशन में स्पॉन करती है। अब आप एक्सप्लोर करोगे तब आपको रास्ते में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी मिल सकती है, जैसे कि ये पम्पकिन। पम्पकिन बहुत ही लेट गेम में इम्पॉर्टेंट है, अभी तो हम अर्ली गेम है तो उतनी चिंता नहीं है इसके बारे में, लेकिन पम्पकिन मैं ले लूँगा क्योंकि ऑब्वियसली क्यों नहीं, मेरे पास कोई रीज़न नहीं है पम्पकिन को मना करने के लिए। अब फिर से मैं आपको ओपन करता हूँ, सही डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में। ओके, अब मेरा प्लेयर मुझे दिख रहा है वाइस सिटी जैसा, दिख रहा है आपको वाइस सिटी सैन एंड्रियास जीटीए 5 जो भी बोलो, कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वो हमें चोंच दिखा रहा है ये प्लेयर। ओके, अब मैं पहुँच रहा हूँ खजाने की तरफ और हम पहुँच गए एक्स के ऊपर। अब ये जो जनरली एक्स होता है ना, ये जनरली आपको सैंड और पानी जहाँ पे इकट्ठा मिलता है वहीं पे आपको जनरली मिलेगा ये एक्स। तो अब हमें चीज़ काम आता है खुदाई करने का, जैसे भी तो आने वाला है नहीं यहाँ पे खुदाई करना, तो इसलिए हमारे पास जो शॉवल है उसका ही हम उपयोग करेंगे, यानी कि यूज़ करेंगे, और बस एक जनरल डायरेक्शन में यानी कि एक्स के ऊपर नीचे कहीं ना कहीं ऐसे माइन करना शुरू कर देता है, जिससे अगर हमें कहीं पे खजाना छुपा हुआ हो तो मिल जाए। अब खजाने को ढूंढने का कोई इजी रास्ता नहीं है कि जहाँ से आपको इजीली मिल जाए कि भाई ये रहा खजाना, या तो फिर ऐसा कुछ आपको माइन करना ही पड़ेगा थोड़ा, तो बिना काम किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं थोड़ा सा माइन करता हूँ और जैसे ही मुझे खजाना मिलता है मैं आपको वापस रिपोर्ट करता हूँ, और बीच बीच में ऊपर जाके सांस तो लेनी ही पड़ेगी वरना मर जाऊँगा मैं, और अगर मैं मर जाऊँगा तो आपको सिखाएगा कौन कि खजाना कैसे ढूंढते हैं। ओके, तो मैं माइंड पे लग जाता हूँ। ओके, वेलकम बैक गाइस। बस थोड़ा सा ही मैंने खुदाई की और यहाँ पे मुझे मिल गई चेस्ट। ये चेस्ट के अंदर ये रहा खजाना, 10 आयरन इनगट, गोल्ड इनगट, डायमंड, हार्ट ऑफ द सी, थोड़ी मछलियाँ और थोड़ा आर्मर। तो ऐसे कि ट्रेजर चेस्ट में से हमें हार्ट ऑफ द सी मिल सकता है जो कि लेट गेम की चीज़ है, तो उसे भी हम बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बात करनी उसके बारे में। फिर डायमंड जो कि हमें बहुत ही पसंद है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही। फिर आया हमारा गोल्ड इनगट जो कि हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, और आयरन इनगट। फिर ये है लेदर टूनिक जो कि आप हमारे आयरन आर्मर की जगह पर पहन सकते हो, लेकिन उसका आर्मर उतना अच्छा नहीं है, तो हम हमारे आयरन के आर्मर से ही जुड़े रहेंगे। अब वापस भी हम जा सकते हैं, और अगर हम चाहे तो घूमते घूमते जा सकते हैं जिससे हमारे ये मैप थोड़ा सा फिल इन होकर जाए अगर हम चाहे तो, वरना तो जिस रास्ते आए उसी रास्ते पे वापस जाना है और कुछ खास नहीं करना। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो मैं आपको बताता हूँ, वरना तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है सीधा सीधा घर की तरफ, तो घर पर जाके आपको मिलता हूँ। Hey guys, welcome back। मैं मेरे घर को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं मेरे घर को छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ? मेरे घर को छोड़ के मैं मैसा की तरफ नहीं जा रहा। मैं हर बार जब मैसा जाता हूँ ना, तब रास्ते में मुझे ये रही, अभी आगे निकल जाता मैं अभी वापस नहीं आया होता तो यहाँ पे मैं एक शिप देखता हूँ हर बार, तो ये शिप भी आज एक्सप्लोर कर ही लेते हैं जबकि आज वहाँ पे गए थे हम।
ये शिप थोड़ी सी उल्टी है हमारे जनरल शिप से, जो कि हमें पहले के एपिसोड में मिली थी ना, पहले के एपिसोड में नहीं, आज के ही एपिसोड में सुबह मिली, सुबह भी नहीं अभी ही मिली, 2 मिनट पहले आपके वीडियो के हिसाब से। तो ये शिप उल्टी है, तो यहाँ पे मुझे जो बॉटम की 2 चेस्ट है वो इजीली मिल जाएगी, लेकिन थर्ड जो चेस्ट है वो शायद गायब भी हो सकती है, क्योंकि वो शायद जनरेट नहीं होगी क्योंकि ये शिप आधी ज़मीन के अंदर है। लेकिन मैं ढूंढने वाला हूँ उसे, ये सारा एरिया खुदाई करके। तो पहले तो ये जो ऊपर वाली चेस्ट है वो ले लेता हूँ। अब ये हमारी ट्रेजर वाली चेस्ट है, तो ये हो गई एक चेस्ट। वापस से बाहर आओ, सांस भरो, अंदर जाओ, फिर तीसरी चेस्ट को ढूंढो। ओके, ओके, ये हो गया इतना एरिया। अब अभी भी एक चेस्ट रही हमारी, जो कि है हमारी खजाने की चेस्ट, वो कैसे ढूंढेंगे? तो उसे ढूंढने के लिए मुझे शायद माइनिंग करनी पड़ेगी थोड़ी। तो मैं यहाँ पे है ना कुछ ऐसा बंकर जैसा यहाँ पे माइन कर देता हूँ, और फिर यहाँ से सीधा नीचे चला जाता हूँ, जहाँ से मैं मतलब टॉप की डेक तक हमें जाना है ना, क्योंकि मैंने अगर कहाँ कहाँ पे हमें खजाना मिलता है वो मैंने बताया, और वो आपको याद हो तो आउच, थोड़ी हेल्थ लेके मैं भर के आपको वापस मिलता हूँ, जैसे ही मुझे वो मिलती है ना चीज़ें वैसे। ठीक है, ओके, वेलकम बैक गाइस। मुझे वो चेस्ट थोड़ी जल्दी ही मिल गई, मैंने सोचा था उससे जल्द तेज। अब वहाँ से मुझे थोड़ा आयरन मिला, थोड़ा एमराल्ड मिला, फिर जो चीज़ मुझे मिली है वो है लेदर की एनचेंटेड गेयर पूरा का पूरा। उनमें से एक के ऊपर मैंडिंग है। अबे मैंडिंग वाला गेयर क्या करता है पता है आपको? आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलता है ना, यानी कि ये जो नीचे है हमारा, वो एक्सपीरियंस सारा 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 का सारा टूल को रिपेयर करने में चला जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ और मेरी इस स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी है 245 और वो जा सकती है 250 तक, तो अगर मुझे कहीं से 5 एक्सपीरियंस मिलता है और इसके ऊपर अगर मैंडिंग होता, तो वो 5 एक्सपीरियंस चला जाएगा इसे रिपेयर करने में, और इसकी ड्यूरेबिलिटी हो जाएगी 250। अब स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि ये घाटे का सौदा है, कोई भला क्यों वो ऐसा करना चाहेगा कि अपना एक्सपीरियंस भाई फ्री में ही दे दो अपने टूल्स को। लेकिन वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ इसलिए है क्योंकि आपको जनरली अगर आप क्या करते मतलब वो कहते हैं ना कुछ कहते हैं हाँ, हमारे डायमंड का गियर जो हमें बाद में मिलने वाला है ना, तो मिलने वाला नहीं ढूंढने वाला हूँ मैं, तो वो डायमंड गियर को यार हमें थोड़ा एनचेंट करेंगे और बहुत ही अच्छा बनाएंगे गियर। उसके बाद अगर हर बार हमें नया गियर बनाना पड़े तो वो क्या चीज़ है, तो वो ना करना पड़े इसलिए हम पूरा का पूरा ट्राई करेंगे कि हमें मैंडिंग की बुक्स मिल जाए, जो हम हमारे टूल्स पे लगा सके, हमारे आर्मर पे लगा सके, और उन्हें जब तक चाहे उतना टाइम तक मैंडिंग ही कर सके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख दो, मैं आपको कभी भी आंसर दूंगा, मतलब कभी भी से मेरा मतलब कि जितना हो सकेगा उतना जल्दी आंसर दे दूंगा, सिर्फ कमेंट में मुझे पूछ दो एक बार। और मुझे लगता है कि आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करना शुरू होगा। आप भी जाओ, आप भी ऐसे 2-3 टाइटैनिक ढूंढो, और टाइटैनिक में जाके आपको क्या खजाना मिलता है मुझे बताना। पेंटिंग वेंटिंग मिलती है तो कोई बात नहीं रख लेना, और पेंटिंग तो जनरली नहीं मिलती आपको खजाने में, आपको डायमंड और वो सारी चीज़ें ही मिलती है, लेकिन पेंटिंग आपके घर के डेकोरेट करने के लिए बहुत ही काम में आ सकती है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा वीडियो, और चैनल को फॉलो करना चाहते हो, इस सीरीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत ही ज़रूरत है। आई नीड सब्सक्राइबर, प्लीज़ हेल्प मी रीच 1K। तो सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ अगले एपिसोड में, बाय बाय।